नमस्कार, इस वीडियो में हम ब्रास बॉल वाल्व में हैंडल के पास से हो रही लीकेज को ठीक करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका डिस्कस करेंगे, जिसे आप खुद कर सकते हैं और आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप हाफ इंच का बॉल वाल्व देख सकते हैं जिसमें हैंडल के पास से वाटर लीकेज हो रही है। ये कुछ सालों से यूज में नहीं था और इसका हैंडल पहले ही निकाला हुआ था, तो चलिए अब हम इसे ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका देखते हैं। मैंने टंकी के पास मेन वाल्व को बंद कर दिया है जिससे कि पानी इधर न आए और काम करने में आसानी हो। सबसे पहले हम हैंडल नट को खोलकर हैंडल को बाहर निकाल लेंगे। हालांकि हमारा हैंडल पहले से ही बाहर है। यहाँ हमारे परिस्थिति में इस बॉल वाल्व को रिपेयर करना ही एकमात्र आसान उपाय है, क्योंकि इस कंजेस्टेड स्पेस में इसको निकालना और नया लगाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा। अब हम हैंडल के नीचे स्थित इस नट को भी खोल लेंगे। मेरे पास अभी बड़ा स्पैनर नहीं है तो मैं प्लास से खोल रहा हूं, लेकिन आप स्पैनर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नट बाहर आ गया है। पाइप में बचे हुए पानी को निकल जाने देते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। अब हमें चाहिए होगा एक वॉशर या गैस्केट जिसे हम नट के नीचे लीकेज को रोकने के लिए लगा सकें। लेकिन इस तरह के गैस्केट बाजार में आसानी से नहीं मिलते, तो हम कार या बाइक के पुराने ट्यूब से इसे खुद बनाएंगे। अगर आपके पास ट्यूब नहीं है तो ये पंक्चर की दुकान से मिल जाएगा। इस तरह से हमें इस नट की सहायता से गैस्केट का साइज ट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। हमने ट्यूब के ऊपर दो गैस्केट के निशान ले लिए हैं। अब चलिए इन्हें काट लेते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला भी काट लेंगे। अब हम इसके अंदर वाले पार्ट को काट कर निकालेंगे जिससे इसका शेप रिंग जैसा हो जाएगा। अब हमारा गैस्केट रेडी हो गया है, तो चलिए इसे हम बॉल वाल्व में लगा देते हैं। अगर एक गैस्केट से लीकेज नहीं रुकता है तो हम इसे डबल करके लगाएंगे, लेकिन पहले एक ही लगा कर देखते हैं। इस तरह से गैस्केट को बॉल वाल्व में लगाकर इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से थोड़ा और अंदर कर देंगे। अब हम इस नट को वापस लगा देंगे और इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। हमने टंकी के पास वाला मेन वाल्व को चालू कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई लीकेज नहीं है। चलिए अब हम हैंडल लगाकर इसे घुमाते हैं और फिर देखते हैं। अभी भी कोई लीकेज नहीं है, तो इस तरह से हमने वाल्व लीकेज को ठीक कर लिया है। अब हैंडल को लगा लेंगे और दूसरे वाले नट को भी लगाकर ठीक से टाइट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में।